Hi everyone, welcome back to my channel Secret Logic. And today I'm sharing with you all मैं एक डे क्रीम का रिव्यू करने वाली हूँ, विच इज Lakme एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग डे क्रीम विथ सनस्क्रीन. इसका पैकेट तो मैंने फेंक दिया, सो कोई नहीं, बट मैंने इसके बारे में हर चीज़ पढ़ ली थी, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग अ रिव्यू. और मैंने इसको 3 साल पहले एक बार यूज़ किया था, तो ये तो है कि ये स्किन को वाइट कर देता है लगाते ही इंस्टेंटली. आप अगर दिन, स्पेशली इन समर्स, आप दिन में अगर फंक्शंस में फाउंडेशन की बजाय इस तरीके की सीसी क्रीम्स या इस तरीके की रेडियंट क्रीम को अप्लाई करते हो, तो आपको एक फेयरनेस सा ग्लो आता है फेस पे. साथ ही इसमें सनस्क्रीन है, पहले इसमें सनस्क्रीन नहीं ऐड था, अब इसमें सनस्क्रीन भी ऐड कर दिया गया, विच इज़ वेरी गुड. तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ इन्होंने दी हुई है, 2021 तक इसकी शेल्फ लाइफ है. और प्राइस इसका हो गया है 330 रुपीज़. ओके, और मेड इन इंडिया है. आँखों से बचाने के लिए इन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि आँखों में जाए तो तुरंत मतलब वॉश कर ले. और पचास ग्राम का प्रोडक्ट है. देखिए, केमिकल तो यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक्स में, तो थोड़े बहुत केमिकल इसमें भी यूज़ हुए ही होंगे. तो मैं इसको आपको डेली लगाने के लिए नहीं कह सकती, पर ये डे क्रीम है. अगर आप ऑफिस गोइंग जाती हैं, आपको मेकअप की ज़रूरत है, तो आप फाउंडेशन, उसमें भी तो केमिकल होता ही है, तो फाउंडेशन की बजाय इस तरीके की रेडियंट क्रीम पर इन्वेस्ट करिए. और इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट फेयरनेस आता है. मैं दिखाती हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से है. लाइट बेबी पिंक कलर का है, सॉफ्ट स्मेल है बिल्कुल. और ये देखिए, मैं हैंड पे इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको. थोड़ा सा यू कैन से कि ये फाउंडेशन का सब्स्टिट्यूट है. आप इस फाउंडेशन के बजाय समर्स में इस तरह की क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. और ये सुबह से शाम तक टिका रहेगा आपके फेस पे. मुझे नहीं लगता कि रीअप्लाई करने की ज़रूरत होगी, मतलब 6 से 7 घंटे आराम से टिका रहेगा फेस पे. ये देखिए, इंस्टेंट वाइटनिंग आई है मेरे हाथों पर, सी द रिज़ल्ट. तो ये इसकी खासियत है कि इंस्टेंट वाइटनिंग ले आता है और स्किन में शाइन भी ले आया है इसने. देखिए, साथ में नहीं है मेरी शाइनिंग, आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, और विच इज़ गुड थिंग. और ये आपके पिगमेंटेड एरियाज को भी थोड़ा सा तो हाइड कर ही देगा, क्योंकि स्किन पे ग्लो लाता है, थोड़ा सा वाइटनिंग, वाइट सी लेयर एक ले आता है. तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट बहुत लाइट सा, अगर छोटे छोटे से आपके स्पॉट्स है फेस पे, तो उसको ये कवर कर देगा, थोड़ा सा लाइट कर देगा. बट बहुत ज़्यादा है तो उसको तो लाइटर नहीं करेगा. तो ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर फाउंडेशन. अगर आप ऑफिस वेयर या कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो इस तरीके की क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि आप इवनिंग में आकर के अपने फेस को ज़रूर रिमूव किया करिए. कोई भी, मैं रिकमेंड करती हूँ कि शाम को आप कभी भी कोई मेकअप प्रोडक्ट ना यूज़ करें फेस पर. दिन में कितना भी कर लें, बट शाम को आप कोशिश करिए कि सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को अपने अपने फेस पे जो अप्लाई किया, इसको रिमूव करके एज इट इज़ अपने फेस को छोड़ दे सांस लेने के लिए. वो बहुत अच्छी चीज़ होती है. अदरवाइज़ ये धूप से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें सनस्क्रीन है, तो आपको अलग से दो चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. लैक्मे एक अच्छा जेन्युइन ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का है, तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन है. तो आई कैन से इट गुड, बट प्राइस अकॉर्डिंग 330 थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है. 50 ग्राम का प्रोडक्ट है, पैकेजिंग जार वाइज तो क्यूट है, क्वांटिटी भी है, चलेगा. मुझे लगता है आप अगर डेली अप्लाई करते हो, 2 महीने ही आराम से आपका चल जाएगा, दो ढाई महीने चल जाएगा. थोड़ी सी अमाउंट में लेके अप्लाई करना है इसको, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी मेरे व्यूवर्स को, जिनको मतलब डेली वेयर के लिए कोई ऐसे क्रीम की तलाश में है जो वर्क करे फाउंडेशन जैसा, और फाउंडेशन ना लगाना पड़े, क्योंकि ये सेट प्रूफ होता है, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आती है, स्किन को ऑयली नहीं करता है, तो एकदम स्किन को हाइड्रेट तो करता है,
बट स्किन मतलब ऑयली नहीं फील होती है कि जैसे ग्रेसीनेस सा या सनस्क्रीन मिक्स होता है जिन चीज़ों में थोड़ा सा ऑयलीनेस आता है, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। स्किन को एकदम इसने हाइड्रेट और नॉर्मल है, तो बस ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ है। टच करने पे थोड़ा सॉफ्ट वाली फीलिंग आ रही है, वो सैंड करने में बस यही एक डिफरेंस है। तो ये आपके स्किन को मतलब इंस्टेंट वाइट ग्लो देता है, तो आप एक रेडियंट चाहते हो अपने स्किन पे, ग्लो चाहते हो, तो ये क्रीम आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो गाइज, यही तो मेरा आज का रिव्यू, लैक्मी एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटनिंग डे क्रीम विद सनस्क्रीन पर। आई होप आप सबके लिए यूजफुल रहेगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, लैक्मी क्रीम के बारे में मैंने एक चीज़ नहीं बताई, वो मैंने बाद में नोटिस की, ये स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसको यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए मुझे नहीं लगता है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्किन को थोड़ा सा खींचा खींचा सा ड्राई कर देता है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है।